वेलकम बैक टू डी एस क्लासेस, सभी ट्वेल्थ के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए सेट बी का है ये, और थोड़े ध्यान से मिलाइएगा सारे क्वेश्चन आंसरों को, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो पैसेज को देखकर कि जॉय कौन है ये और क्यों आ गया है पैसेज में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले आपने ओ एम आर सीट को सही से भरा है कि नहीं ये कन्फर्म कर लीजिएगा। रोल नंबर वगैरह सभी सही डाल के आए हैं कि नहीं। सो कुछ पैसेज आपका इस तरीके से आया था। अभी पैसेज को समझाने का टाइम तो रहा नहीं, मैंने ये पैसेज बच्चों आप सभी को पहले करवा दिया था इसीलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये आपका बैड लक था। देखिए जैसे फर्स्ट लिखा है कि इन थाउजेंड ऑफ सच अ वे आई वे बेबी जॉय, यहाँ पर जो बेबी है उसका मतलब क्या बताया है? तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यंग चिल्ड्रन। एंड यहाँ ये वाला कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जॉयस ब्रेन, ठीक है। सो इसका आंसर है क्या आपका? यंग चिल्ड्रन। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, और एक बार आप रीचेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे और कंफर्मेशन वाला मिलेगा तो मैं इसके कमेंट में अटैच कर दूंगी, ठीक है। सेकंड देखिएगा, द ब्रेन रिक्वायर्स ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप लोग क्या करके आए, इसका आंसर है बच्चों 20%। कितना? 20%। यहाँ पर देखिए परसेंट, यहाँ पर थर्ड वाला देखिएगा, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन की वर्ब फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है आपका कॉन्ट्रैक्ट। इतनी ही इसकी वर्ब फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करके आए हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज आई इन द पैसेज, यहाँ पर जो आई था वो कौन था? तो देखिए फर्स्ट के स्टेंजा में मैंने रीड किया है जो वो बोलता है कि आई एम जॉयस ब्रैन, मैं कौन हूँ? जॉय का ब्रैन हूँ। तो इसमें यहाँ पर आएगा आंसर जॉयस ब्रैन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करके आना था, आई और बेबी में कन्फ्यूज नहीं होना था। जो बच्चे हुए बहुत बैड लक है आप सभी का। द वेट ऑफ द ब्रेन इज, जो ब्रेन है उसका वेट कितना था? 1.5 kg, ठीक है। सो आपने क्या करके आया मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। देखिए जॉयस ब्रेन इज जॉयस, जो जॉय का ब्रेन है वो क्या है? पर्सनैलिटी है, रिएक्शन है, या फिर मेंटल कैप्शन है? तो ऑल ऑफ दिस क्या है? ये सारी चीज़ें ही हैं, और ये बात भी इसमें बताई थी। कुछ ही क्वेश्चन इसके दो तीन नंबर कटने चाहिए वैसे तो बच्चों के, और अगर जो बहुत अच्छे से पढ़ के गए तो उनके तो नंबर कटने नहीं चाहिए। द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन, कहाँ? जेयर्स, यहाँ पर एट्थ देखिएगा, एयर टंग फिंगर कलेक्ट ओनली, ये क्या करती है? मतलब जो एयर होते हैं और आपकी जो फिंगर होती है कलेक्ट करती है किसको? सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। क्या करती है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट। यहाँ पर नाइन्थ देखिएगा, द ब्लैंक इंफॉर्मेशन द ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जॉयस आई जॉयस ब्लड। तो इसका आंसर आपका होगा सेंसर। यहाँ पर टेंथ वाला देखिएगा, विच अमंग दीज इन द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? इनफॉर्मेटिव। क्या है? इनफॉर्मेटिव, ठीक है। सो आई होप आपने पैसेज को सही से किया होगा, और नहीं किया तो थोड़े से ध्यान से कर लीजिएगा। अभी अब मिला लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करके आ गए हैं आप लोग, ठीक है। अब वो जो हो गया है सो तो हो गया है। देखिए इसमें माइंड को काम को लेकर इसका बताया गया बच्चों, पूरे इस पैसेज में काम माइंड के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर भी आपका इसका जो टाइटल है वो भी यही होगा, ठीक है। और इस पर सब पॉइंट बना के आने थे, इसमें अलग से बोला था कि पॉइंट ही बनाना है, तो ध्यान से आपने किया होगा। सब पॉइंट मैंने बनाना सिखा दिया था, तो आई होप आपने करके सही आए होंगे। ये वाला लेटर जो था आपको लिखना था, सो कौन सा करके आए आप लोग बताना ज़रूर, फॉर्मल लेटर करके आए हैं या इनफॉर्मल लेटर करके आए। देखिए पैराग्राफ में ये दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, तो मैं ये भी मैंने बताया था आप सभी को कि ये भी आ सकता है। और मैंने वैल्यू ऑफ गेम के बारे में अलग से वीडियो बनाकर, इन दोनों के ऊपर से मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वो भी वही है और वैल्यू ऑफ गेम्स वो भी वही है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आपका बैड लक बच्चों। मैंने आपको इसीलिए दो चार दिन से जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें यही चीज़ें आ रही, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जा सके। और ये जो है आपका, और बच्चों इस पर क्या करना था आपको? रिपोर्ट लिखना था, ठीक है। सो ये भी बहुत इजी था बच्चों, और ये भी थोड़ा सा इजी ही था अगर आप इसके पॉइंट सही से देखते। और ये देखिए बहुत, मैंने जैसे ही पेपर को देखा मैं तो चौंकी कि यार ये सारी चीज़ें तो अपन अभी करके आए हैं और यही आ गया है। देखिए इन दोनों में से अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने ये वाला नोटिस सुबह चार बजे वीडियो अपलोड करी थी, ये वही नोटिस है। अगर आपने ध्यान से 2 मिनट भी पढ़ लिया होता ना तो शायद आप कर लेते। तो जो बच्चों ने पढ़ लिया था प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। देखिए ये मैंने सुबह 4 बजे डाला था, अगर आपने, मैंने बोला भी था कि ये 100% गारंटी है कि यही आना है।
चलिए अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट की सेक्शन सी देख लेते हैं ग्रामर का, कि भाई अभी क्या करेंगे। देखिए ब्लैंक है, मैन हु रोट दिस बुक इन माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ए भर के आए होंगे, बट वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर द आता, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़िए बच्चों, देखिए सेकेंड है आई नो ही इज इल, मुझे पता है कि वो क्या है, बीमार है। तो यहाँ आएगा आपका दैट, आई नो दैट ही इज इल, ठीक है। आप लोग क्या करके आए कॉमेंट सेक्शन में बताइए तो सरा। और थर्ड वाला देखिए बच्चों, बी कीप आवर ब्रेड इन दिस फ्रिज ब्लैंक इट डजेंट गो बैड। तो इसमें क्या करके आए हैं आप लोग, पहले आप लोग बताइए। इसमें आएगा आपका सो दैट, क्या आएगा आपका सो दैट, ठीक है। फोर्थ वाला देखना बच्चों, हाउ मिल्क डू यू बाय डायरी। मैंने ये आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है डू एस डायरेक्टेड में, कि यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। जिन जो ब्लैंक्स की जस्ट वाली बात वाला जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं, अगर वो क्या है अनकाउंटेबल है और सिंगुलर दिख रहा है, तो आप वहाँ पर मच लिख देते। तो अब आपने क्या किया है आप बताइए, है ना। फिफ्थ वाला देखिए, इंडिया यूथ इज़ फुल ऑफ, यहाँ पर आंसर था आपका फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यहाँ पर सिक्स्थ देखिएगा बच्चों, मोहन स्पीक टू लैंग्वेज। मोहन क्या है, दो भाषा बोल सकता था, बोल सकता है। तो आंसर है आपका कैन, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, कैन हुआ। सो इसमें क्या आएगा, कैन आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं डू एस डायरेक्टेड। देखिए फर्स्ट में आप सभी को दिया था सी डिड नॉट टॉक टू मी, सी डिड नॉट लुक एट मी, ठीक है। अब इसका क्या करना था आपको, इसमें यूज कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। इसमें आपको यूज करना था नाइदर नॉर का, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए आपको कुछ नहीं करना था, डिड नॉट हटा के सी नाइदर टॉक्ड टू मी नॉर लुकड एट मी, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था आपको, जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं उसके पहले नायदा लिखना रहता है, और दोनों जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में क्या करना है, नॉर लिखना रहता था। ये राइट आंसर है, सी नायदर टॉक टू मी नॉर लुकड एट मी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड क्या दिया था बच्चों, यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट। इसमें क्या करना था आप सभी को, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। आपको क्या करना था, इनको रीअरेंज करके और क्या बनाना था, एक सेंटेंस बनाना था। तो आपने किया, कैसे किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि जैसे मैं करवा रही हूँ वही करके आए हैं कि कुछ और, ठीक है। सो फर्स्ट में आप लिखते हाउ मच, फिर लिखेंगे आप बच्चे एक्सपीरियंस, फिर लिखेंगे हैव यू गॉट, और फिर आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर आप लगा के नहीं आए हैं तो वो आपका आधा नंबर काटने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करेंगे। तो ये आपकी मिस्टेक है अगर आपने करके आए। और ये देखिए उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि गॉड जो है बाद में आएगा, क्योंकि गॉड से अटैच कर दिया था उन्होंने क्वेश्चन मार्क को। सो हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, राइट आंसर है, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं बच्चों अपन। थर्ड में क्या दिया था, थर्ड में दिया था द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट। जो टी है वो कैसी है, बहुत गर्म है पीने में, मैं नहीं पी सकता। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू। अब बहुत से बच्चों ने जो टू टू है उसमें भी बहुत बड़ी गलती करी है, जो कि उनको नहीं करना था। ये कुछ इस तरीके से बनता, एक था क्या नॉन लिविंग सब्जेक्ट और एक था क्या लिविंग सब्जेक्ट। तो ऐसा जब भी आता है तो इस टाइप से बनाते हैं कि द टी इज टू, यहाँ पर सॉरी हॉट लिखना भूल गए, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक इट। बस इतना करना था, ये फॉर्मी लगा कर नहीं आए तो आप गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों ने उसको ऐसे बना के आया होगा कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, लेकिन ये गलत है, आपको फॉर्मी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं ना, फोर्थ वाला, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर। मेरे जो फ्रेंड है उसने क्या किया, सेंट मी अ लेटर। अब बहुत से बच्चों, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन था कि मी आएगा पहले या लेटर। तो जैसी ऐसी कंडीशन बनती है तो हमेशा जो है आप सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए हाँ ये वाला देखिएगा, आई वॉज सेंट अ लेटर बाय माई फ्रेंड। मेरे द्वारा क्या है, इसमें मेरे द्वारा लेटर भेजा गया मेरे दोस्त को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आई लिखना था जो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी उसकी, फिर इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट में था तो आपने किस में आगे की हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दी आपने, वाज। तो इसको बनाने का सही तरीका यही है, आंसर यही राइट है, कि आई वाज सेंट अ लेटर
वाई माई फ्रेंड, ठीक है। अब देखना आंखें, आप लोग आंखें दिया था आप सभी के लिए, फोर्थ वाला हो गया। अभी देखिए फिफ्थ वाला, एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग, ठीक है। तो अब इसमें आपको यूज़ करना था नो सूनर देन, क्या यूज़ करना था नो सूनर देन, तो आपने कैसे यूज़ किया देखिए, कैसे यूज़ करने था यहाँ पर देखना, नो सूनर आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड बीपिंग, ठीक है। सिर्फ इतना काम आपको करना था। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे क्या है आपका सिक्स वाला, है ना, ये वाला हो गया कंप्लीट। यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, आप जो है क्या कर लेंगे, आप जो है बस को कैच कर लेते यदि आपने टैक्सी को टेक कर लिया होता, ले लिया होता अगर आपने, तो अब आपको क्या करना है। बहुत से बच्चे इसमें ये कंफ्यूजन था कि इफ आगे पीछे है, इफ को तो पहले लिखते थे, तो इस वाले सेंटेंस को आपको पहले लिखना था, यही इसमें थोड़ा सा घुमाव दिया था उन लोगों ने। तो कैसे करना था आप सभी को, अनलेस यू टेक अ टैक्सी, अगर तुम टैक्सी नहीं लेते, यू कैन नॉट कैच द बस, इसमें आपको नॉट लगाना था क्योंकि इसमें अनलेस लगा दिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे, और बहुत कंफ्यूजन था यार इस वाले पेपर में, तो कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी थी बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे करना क्या है। देखिए अपन ने इतना कर लिया, ये वाला देखिए, ही हैड His lunch, अब इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें बोला है चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट और ये हैड दे दिया। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से पास्ट परफेक्ट में है, जो कि गलत है। ये हैड जो है ना, ये है जो है वह उसकी सेकेंड फॉर्म दी है, ये पास्ट इंडेफिनिट है बच्चों, इसमें आपको एक हैड और इंक्लूड करना पड़ता। कैसे ये देखना, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ही हैड हैड हिज लंच, ये हो गई आपकी मैन वर्ब, मतलब ये हो गया आपका क्या हैड, और इसमें प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ही हो जाती, तो आपको ही हैड हैड हिज लंच लिखना था बस, और कुछ नहीं करना था। चलिए आगे देख लेते हैं अपन, इसके बाद सेक्शन सी के बाद आपको क्वेश्चन नंबर एट दिया था क्या उन लोगों ने आंसर, ये क्वेश्चन आंसर थे। तो भाई ये भी मैंने बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर आप सभी को बता दिए थे, कुछ ये भी दिए गए हैं, और आपको ये यही एक्सट्रैक्ट में पढ़ा के बैठी थी और आप सभी से बोला था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो आप सभी ध्यान से कर लीजिएगा। तो इस फर्स्ट का आंसर क्या था, हाउ मैनी डेलीगेटेड वर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, कितने जन थे वहाँ पर, 2301, ठीक है। और सेकंड का क्या है, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, राजकुमार शुक्ला जी हैं कब मिले थे, 1916 में, ठीक है, आंसर यही है। तो थर्ड का देखिएगा, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीजेंट, पीजेंट का जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या होता है, तो पीजेंट मतलब किसान होता है। फोर्थ वाला देखिए, चंपरन इज सिचुएटेड, चंपरन जो है वो कहाँ पर है, नियर नेपाल। फिफ्थ वाला देखिए, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कौन से लेसन से लिया गया, तो इंडिगो, ठीक है। आगे का देख लेना ज़रा, ये हो गया अपना कंप्लीट। हाँ, इसमें एक और एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट को मैं जो है प्रैक्टिस सेट पेपर में पढ़ा के बैठे थे क्योंकि हमें बताया गया था और हमने बोला भी था आप सभी से कि 80% का आना है इसमें से, तो आपने नहीं किया तो ये आपकी गलत फहमी थी कि यार नहीं करते हैं। द पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम, जो पोएट थी वो कहाँ से आ रही थी, सॉरी, हर पेरेंट्स होम, उसके माता पिता के घर से। द वर्ड्स कॉर्प मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी, क्या होता है, डेड बॉडी। नेम द पोएट, पोएट का नाम क्या था, ऊपर लिखा है पोएट है और उधर लिखा है पोएट, तो यहाँ पर आंसर है कमला दास, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट मैसेज था और ये भी हम करवा चुके थे, आपने नहीं देखा तो आपकी बदकिस्मती। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग, है ना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, उसने अपनी मतलब हाथ को, सॉरी, उसकी उंगली को किस पर रखा था, नोज पर, ठीक है। और सेकेंड में क्या दिया था कि हाउ मैनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप इन स्पीच, कब खोला था उसने अपने मतलब लिप्स को, आंसर है 10 डेज में, ठीक है। थर्ड वाला देखिएगा आप लोग, द प्रिंसेस वॉज बॉर्न, कब हुआ था, इन द आवर ऑफ द आवर ऑफ द बुल, ठीक है। फोर्थ वाला है, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कौन से उसमें से लिया गया, तो द टाइगर किंग, क्लियर। चलिए कंप्लीट हो गया ये, इसका आंसर ये है और इसका आंसर क्या है आपका ये, ठीक है।
और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका पेपर कैसा गया। आई होप आप लोगों का पेपर सभी का बहुत अच्छा गया होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने सही है कितने गलत है, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि उन्हें क्या गलत करके आए और क्या सही है।